तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा था कि वॉट इज द राइट साइज है ना टू प्लीज अ वुमन, पर मेरा मूड आज ज्यादा ऐसे नॉटीज है तो मैं डर्टियर जोक्स सुनाना चाह रहा हूँ। डर्टियर जोक्स पता है क्या होते हैं? ठीक है, डर्टियर जोक्स होते हैं कुछ जोक्स नहीं थे जिनको सुन के ऐसा लगता है कि छी छी मजे आ गए। पेट से ठरक निकलती है जो, ठीक है। देखो मेरे पास एक सवाल है, ठीक है, मैं दोनों से पूछता हूँ, दोनों जेंडर से पूछता हूँ, पर पहले मैं फीमेल से पूछना चाह रहा हूँ, क्वालिटी ट्रेट्स है ना जो आपको लड़कों में पसंद है बताना चाहोगे? एक दो कुछ भी हो सकती है, इट्स ओके। इंडिविजुअली आपको क्या पसंद है लड़कों में? अरे रोका नहीं हो रहा चिन भाई, बिल्कुल डर गए आप। हाँ ही भाई, रोका ही करेगा क्या? कुछ नहीं नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, सबसे पूछूंगा, टेंशन मत लो। हाँ नहीं नहीं, मतलब आपको जैसे होता है ना इंडिविजुअली, आपको क्या चीज़ देख के, जरूरी नहीं है मतलब लुक्स वाइज, कुछ भी हो सकता है। हाँ सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है वो पर्सनालिटी, ठीक है वेरी गुड, सेंस ऑफ ह्यूमर पर्सनालिटी, एक दो बताना चाहोगे मैम? क्या होना चाहिए? अच्छा मल्लू, अरे भाई ठीक है भाई, ये अलग है भाई मल्लू, ठीक है ये अच्छा है। आपने कहा ना कास्ट नहीं होता है, क्योंकि होता है लोगों में। मैम आप बताना चाहोगे? है ना रोमांटिक, वेरी गुड। सर सर हैं प्रॉपर रोमांटिक? सर एक दो थोड़ा कर दिया करो, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, कोई नहीं ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं सही में कुछ तो होंगे, ऐसे नहीं है बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ अच्छे हैं, ठीक है वेरी गुड। और मैम एक दो बताना चाहोगे? सेंस ऑफ ह्यूमर और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, ठीक है वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबल हो मैम, ठीक है। नहीं लड़कियों को चलता है, लड़कियों को चाहिए अंडरस्टैंडिंग, लड़कों को नहीं चाहिए, मैं इसलिए पूछ रहा था। और एक बताना चाहोगे? हाँ हाँ वही, मैं देखो मुझे पता है, देखो मुझे पता है लिस्ट है। हाँ नहीं मुझे पता है लड़कियों की लिस्ट होती है। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ अच्छा, अरे भाई सब ऐसे करके बैठो। ठीक है फेयर इनफ। हाँ ठीक है ठीक है, वो बेडरूम के अंदर वाली चीज़ है, ठीक है। वैसे यूजुअली लड़कियों की लिस्ट होती है, इसलिए मैं पहले लड़कियों से पूछता हूँ। देखो मैं लड़कों सबसे पहली बार मिल रहा हूँ राइट, बट मुझे मस्त चीज़ पता क्या लगती है, मैं लड़कों से नहीं पूछता क्योंकि मुझे इनका जवाब पता है। हम लड़के बहुत सिंपल हैं, हमारा बस ये होता है कि औरत हाँ है ना, ये जिंदा का मुझे लॉजिक नहीं समझ भाई, मुर्दा किसे मिल रही है, मुर्दा किसे मिल रही है कि जाओ 50% ऑफ लेके जाओ आप, जिंदा बिल्कुल ठीक है। देखो मेरा ये मानना है, लेट से जैसे जो भी फीमेल्स हैं ना आपकी जितनी भी लिस्ट है, लेट से आपको बंदा मिल जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाओ, क्योंकि यूजुअली लड़कियां नहीं करती, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा अजीब लगता है कि यार थोड़ा तो करो ना कॉम्प्रोमाइज़। हाँ सब नहीं करते ना, ऐसा हो जाता है। जैसे मेरी एक्स थी ठीक है, वो उसने मेरे को कभी बताया नहीं कि बेडरूम में भी ऐसे लिस्ट होती है। हाँ भाई बहुत ऐसे धप्पा सा हो जाता है एकदम से कि ये भी करना है। हाँ मेरी एक्स थी वैसे कहती थी करते रहो करते रहो करते रहो, तो एक पॉइंट पे ऐसा लगता था कितना करना है बता देना, क्योंकि मेरे को एसी में पसीने आ रहे हैं ठीक है, पूरा टाइम मेरे को डर लग रहा है नचक तो नहीं आएगी, क्या कर रहा हूँ मैं सही में यार, पूरा टाइम लगता रहता है भाई कितना करना है बता दो सही, कुछ नहीं कुछ कुछ तो मतलब तो समझाओ ना हमें, करते रहो करते रहो, ये नहीं होता ना करते रहो करते रहो। एक तो खुद कुछ नहीं करती हैं, सॉरी टू से हाँ मैं सच बोल रहा हूँ सॉरी, मैं नहीं बोल रहा सारी औरतें, कुछ होती हैं जो मेहनती होती हैं ना, पेट कि पेट्रियार की तोड़ूंगी ऊपर आती हूँ अच्छा लगता है ना, क्योंकि अब दोनों के घुटने दुख रहे हैं, वरना आप लोग पता है आप लोग इतना प्रेशर डालते हो आपको पता नहीं अगले दिन जांघें खींचती हैं हमारी, सही बता रहा हूँ, लड़के बताएंगे नहीं आपको कि नहीं नहीं बाबू ऐसा कुछ नहीं होता, और उस समय लग रहा होता बाबू दूर हो जाओ ठीक है। देखा है सुबह उसके बाद ये भी बोल देते कि चाय बना दो, ऐसा लगता है मेरी एक तो चाय तू बना ना, करते रहो करते रहो।
एक बार मैं सच में मतलब तो ऐसे बाहर मत लीक करना, बट एक बार मेरे को ऐसा लगा था कि मेरी बंदी सो गई है क्या. हाँ मेरे को पसीने आ रहे थे, मैं छींटे मारे, मैंने कहा जा ऐसे नहीं चलेगा है? ऐसे कैसे रही है? करते रहो. देखा तुमने हर फीमेल की वो होती है फेवरेट मिशनरी. मैं नहीं बोल रहा सबकी है ना, कुछ होती हैं जो नहीं. हाँ बट फैंटेसी तो नहीं कहते, बट वही होती है सबकी फेवरेट. कुछ होती हैं जिनकी अलग अलग होती हैं, बट गुस्सा दिया है मिशनरी में. देखा तुमने, और ऐसे करेंगे देखा, कर लो बाबू. ऐसा लगता कर लो क्या भाई, बोरी में लेके आया हूँ, देखो पार्टिसिपेट करना, कर लो क्या होता है. और तू हैंड्स अप क्यों कर रही है, कुछ नहीं डरने लायक भाई, कर लो बाबू. हाँ यार बहुत अजीब लगता है यार. एक बार ये भी मतलब मेरे को पता है, मेरे को लग गया था थोड़ा सा ना ऐसे. कई बार होता है ना कि आपको लगता है आजकल जो चला है रेड फ्लैग है ना, मेरे को लग गया था शायद वो रेड फ्लैग है शायद, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना आप लोगों से पुराने टाइम का हूँ. तो हमारे टाइम में रेड फ्लैग होता था कि अगर बंदी ये बोल दे कि मांग में सिंदूर भर दो, फिर लगता था भाई तू दूर रहे. आजकल बदल चुके हैं सब रेड फ्लैग, आजकल कुछ भी रेड फ्लैग हो जाता है. देखा कि चिकन नहीं खाता रेड फ्लैग है. क्या हो गया भाई? तो मेरे को डाउट हो गया था कि वो रेड फ्लैग तो है, पर वो था ना प्यार इग्नोर कर देता है ये सब चीज़ें. मेरे को पता कब लगा था, जब एक बार हम ऐसे कर रहे थे और चीज़ देखी सुनो हो जाए तो बता देना. भाई पता नहीं लगेगा तेरे को, हो जाए तो बताना मतलब क्या है. बहुत अजीब फील होता है यार, इतना प्रेशर होता है उस समय हमें. आप देखना हम ऐसे एडी चोटी का जोर लगा रहे होते हैं उस समय. हाँ एडी पकड़ लेते हैं, चोटी पकड़ लेते हैं कि ये खुश रहे, इसको आज खुशी देनी है. पर इनका होता ही नहीं है भाई, क्या पता नहीं कितना करना है, पता ही नहीं क्या है. ट्रू स्टोरी है ठीक है, ऐसे जज मत करना. मैं एक बार बंदी के साथ था तो मेरी यहाँ पे नस खिंच गई ठीक है. खिंच जाती हैं हमारी नसें, खिंचती हैं कोई नहीं, पर हम रुक नहीं सकते. पता है क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने खराब परफॉर्म किया फीमेल्स ने तो हमें अच्छा नहीं लगेगा. तो हम बस बोलेंगे कल रात उतना नहीं था है ना, थोड़ा ऐसे ही था. पर अगर हमने खराब परफॉर्म किया तो अगले दिन ऐसे समाज को पता लग जाता है. हाँ कि रावत जी की नसें खिंचती हैं. और फिर अजीब ही लगता है कि भाई बाप का नाम भी रावत है तो दो नाम क्यों खराब हो रहे हैं भाई. ऐसे एस रावत बोलो ना. तो यहाँ पे नस खिंच गई थी तो मैं रुक नहीं सकता था. तो मैं ऐसी मैंने कहा कोई नहीं देखते हैं जितना देर कर सकते हैं. तो पैर सोने लगा ठीक है. मैंने कहा क्या करें, मैं नस दबा भी दी. मैंने कहा देखते हैं जितना चलेगा. एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगा कि मेरी ना शायद टांग चली जाएगी. अब तुम देखो हम कितने लड़के कितने सिंपल हैं, मैं पता खुद को समझा रहा हूँ. कोई नहीं एक टांग के बिना रह लेंगे, क्या हो गया है ना, बैसाखी होती है इंसान के पास. भाई जब यहाँ पे नस खिंचने लगी ना तब मैंने कहा अब रुकना पड़ेगा क्योंकि दो टांगों के बिना नहीं रह सकते, सॉरी भाई ठीक है. तो मेरी नस खिंच गई थी यहाँ पे तो मैं रुक नहीं सकता. तो मैं बहाने ढूंढने लगा कि क्या इसको बहाना दे सकते हैं. ये भी नहीं बोल सकते थक गए है ना. तो मैंने ऐसे इमेजिन करने लगा कि काश इसने वाइट कुछ पहना होता, काश कुछ भी, मे बी वाइट ब्रा है ना, क्योंकि मैं ऐसे लहरा देता कि सुनो सरेंडर हो गया हमारा है ना, अर्ली रिटायरमेंट, पदक दो बॉस. तो वो भी नहीं कर सकता तो मैंने कहा फाइनल रुकना पड़ेगा है ना, जो भी एम्बैरेसमेंट है झेल लूँगा. जैसे ही मैं रुका तो वो ऐसे घूमी, बोलती है बाबू रुके क्यों, अब तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ था. ठंड में रखी स्कूटी है तू, कितना टाइम लगेगी, पागल हुई क्या तू, स्टार्ट हुआ था मतलब क्या है यार, ठंड में रखी स्कूटी. मेरे को ऐसा लग रहा था भाई पागल है क्या, मेरे को मैं पीछे कप रहा हूँ, दोनों टांगे जाने को हो रही हैं, डिहाइड्रेशन ना होना, खुद का पसीना पी रहा था मैं, इसका स्टार्ट ही नहीं हुआ. मैंने उसको फिर आराम से, क्योंकि मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, मैंने कहा मैं ज़्यादा गुस्सा कर दूंगा तो मैंने बोला सुन तेरे को भरोसा नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, पर मैं भी इंसान हूँ ठीक है, इंसानी ढांचा है मेरा, दुखता है शरीर ठीक है, घोड़ा नहीं हो, बोलती चने खा लो, मैंने चने खा लो मतलब क्या होता है भाई, खुद डरे घोड़ी की तरह.
जैसे मैंने अपनी दोस्त से पूछा था, ये हम सब लड़के एक ही चीज़ को लेके इनसिक्योर होते हैं, तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा था कि व्हाट इज द राइट साइज है ना टू प्लीज अ वुमन. दोस्त से ही पूछ, मतलब ऐसे फीमेल दोस्त से ही पूछना चाहिए, क्योंकि अपनी बंदी से पूछोगे वो सच बताती है. हाँ, तो ऐसे थोड़ा बुरा सा लग जाता है. तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा, नॉट इवन जोकिंग, शी सेड 12 inches. थोड़ा सा डर लगा ना, खौफ सा हुआ. जिनको नहीं पता 12 inches मैथमेटिक्स में इज 1 foot. भाई सबवे सैंडविच खा रही है क्या, तो क्या हो गया? 1 foot लगा देना भैया, 1 foot. और अगर आप लोगों को नहीं पता, मतलब दोनों को, मेल फीमेल को, कि जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है, जो फीमेल एनाटॉमी होती है, वो ऐसी होती है कि जो आपका इनसाइड होता है, दैट इज 3 to 4 inches ओनली. पता नहीं, कंफर्म है ना? लड़कियां बताना है ना? ठीक है, तो बेसिकली समझो, तो बाकी कहाँ जाएगा? वो समझ में नहीं आता लड़कियों को. नहीं, 12 बार पता उसे कैसा फील होता है? कभी आपने सिर्फ ऐसे पानी की बाल्टी में सिर्फ मुंह डाला है? तो अजीब नहीं लगता कि भाई भाई उसको पता कैसा लगता होगा कि ऐसे मुंबई अपार्टमेंट्स में हूँ क्या मैं, क्या हो गया कि शेयर तो नहीं करना पड़ेगा भाई, इतना कंजेस्टेड है. मैं तो उसको बोला था, मैं गुस्सा कर गया था, मैंने कहा भाई तुझे देख, मतलब तुझे बेडरूम के लिए तो नहीं चाहिए, है ना, बिकॉज 12 इज लाइक बहुत ज़्यादा होता है. मैं उसको बोला तेरा कोई अल्टीरियर मोटिव है बता दे, इट्स ओके, है ना, क्या पीठ खुजलानी है, क्या हो गया? बता सकते हो भाई, कोई नहीं, जाले उतारने हैं, घर में बेलन नहीं है, क्या हो गया बताओ? वैकेमोल खेलना है, देखा वो, या लेजर टैग कि सारे खिलौने लेके जाऊंगी मैं, या कैरियोके करना है कि एक गाना आपका, एक गाना मैं गाती हूँ, और है मेरे पास कि मसाले कूट क्या करोगे यार, पागल पागल हो क्या? सही बताऊँ, मैंने कहा देख, मेरे को पता था, मैंने उसको बोला कि देख होपफुली देखो मिल जाए, जो कि नहीं मिलेगा, है ना, मुझे पता है ना सच, फिर भी मैंने कहा होपफुली देखो मिल जाए. बट मुझे बस गुस्सा इस बात पे आई, खुद वो ऐसे ना 4 feet की थी तो जिनको मैथमेटिक्स नहीं पता और ह्यूमन एनाटॉमी नहीं पता, आपकी जितनी भी हाइट है, एक्स वाई जेड जितनी भी हाइट है, राइट, उसका जो हाफ होता है दैट इज़ योर लेग्स एंड हाफ इज टॉर्सो. तो अभी के लिए लेग्स हटा देते हैं, उनका कुछ काम नहीं है ना. तो 4 में से 1/2 गया, कितना बचा? 4 feet, 2 feet. मैम को कितना चाहिए? तो मेरा तो डर सा लग गया, मैंने कहा पागल क्या चाह रही है, मतलब बंदा दिल छू ले क्या तेरा? भाई ये पोएट्री में होता है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा, लिटरली नहीं होता भाई, मर जाएगी भाई, कितनी खराब मौत है, समझो. घर वालों से लोग पूछे कि कैसे मरी, किसी ने दिल छू लिया था, प्रेम भाव होता है, आप नहीं समझोगे. इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, अगर आपकी डेथ होती है थ्रू हार्ट अटैक, तो आपको जिंदा पता कैसे करते हैं, पता है किसी को? हाँ, CPR है ना, वो ऐसे रेसिस्ट, क्या बोलते हैं उसे, वही कुछ इंग्लिश का कुछ होता है ना, तो बेसिकली माउथ टू माउथ एंड देन ऐसे चेस्ट पे प्रेशर. ठीक है, तो देखो अनजान बंदा तो तुम्हें जिंदा नहीं करेगा, है ना, कौन करेगा जो तुमसे प्यार करता है? उसके पास सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है? सबवे सैंडविच, है ना. तो बेसिकली जिसने आपको मारा है, ठीक है, वो ऐसे आपकी छाती पे बैठा है. मैं पहली बार देखो डर्टी और जोक्स हैं, ठीक है, मेरी गलती नहीं है. कोई नहीं, कुल्ला कर लेना आराम से, ठीक है. तो ऐसे छाती पे बैठा है ऐसे लेके और मारे जा रहा है कि अब जिंदा हो जाएगी, है, अब जिंदा हो जाएगी. मेरा पॉइंट है, अगर आप इस सिचुएशन में कभी फंसे, मर जाओ, ऐसे जिंदा मत हो भाई, कितना खराब है ऐसे जिंदा हुआ.
लोगों से पूछो मैं कैसे जिंदा हुई, वो रहन दो ना, जिंदा हो आप मत मत पूछो. मैंने अपनी दोस्त को गुस्से में बोला, मैंने कहा सुन तेको ना ऐसे नहीं मिलेगा यार, पागल वागल है 12 इंचेस नहीं. बोलते कोई नहीं छह चेक दो. मैं पागल है क्या तू?